हाइड्रेंट है, बहुत सारा हाइड्रेंट है, ये किसने, कौन सी पार्टी ने लाकर हाइड्रेंट बना दिए यहाँ पर? मिर्रिख से आए हुए लोगों की हुकूमत थी 15 साल से यहाँ, तो इसका फायदा कहाँ कहाँ पहुंच रहा है? ये इतने मासूम है, बिलावल हाउस को पता नहीं होगा जाहिर है। अरबों रुपए महीने हाइड्रेंट है, बहुत सारा हाइड्रेंट है, ये किसने, कौन सी पार्टी ने लाकर हाइड्रेंट बना दिए यहाँ पर? मिर्रिख से आए हुए लोगों की हुकूमत थी 15 साल से यहाँ, तो इसका फायदा कहाँ कहाँ पहुंच रहा है? ये इतने मासूम है, बिलावल हाउस को पता नहीं होगा जाहिर है। अरबों रुपए महीने में कमा रहे हैं और मासूमियत से कह देते हैं कि यार पानी बहुत चोरी हो रहा है। अब चोर मचाए शोर, कराची में पानी का शदीद बहरान है। बार बार हमारे कब्जा मेयर साहब कहते हैं कि हाइड्रेंट है, बहुत सारा हाइड्रेंट है, ये किसने, कौन सी पार्टी ने लाकर हाइड्रेंट बना दिए यहाँ पर? ये किसी मिर्रिख से आए हुए लोगों की हुकूमत थी 15 साल से यहाँ। तो हाइड्रेंट अगर 200 से ज्यादा चल रहे हैं तो कौन चला रहा है? इसका भत्ता कहाँ जा रहा है? ये नलकों में पानी अगर नहीं आता और टैंकरों में पानी आता है तो इसका फायदा कहाँ कहाँ पहुंच रहा है? ये इतने मासूम है, बिलावल हाउस को पता नहीं होगा जाहिर है, सीएम हाउस को भी पता नहीं होगा, वजीर बल्दियात को भी नहीं पता होगा, नीचे ही नीचे करप्शन चल रही होगी। सिस्टम है, निजाम है, ये ऊपर से नीचे तक अरबों रुपए महीने में कमा रहे हैं और मासूमियत से कह देते हैं कि यार पानी बहुत चोरी हो रहा है। अब चोर मचाए शोर, मनशियात के कारोबार को तहफ्फुज फराहम करो, कह रहे हो यार नौजवानों में मनशियात बहुत फैल रही है। जो सब जिम्मेदार है इस बात के, वो आके मासूमियत के हमारे सामने कहते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? 2 दिन में ये हाइड्रेंट बंद होकर नलकों में पानी आ सकता है। कल तो इन्होंने माशाल्लाह ये भी फरमा दिया कि जब तक K4 नहीं बनेगा पानी का बहरान रहेगा। तो भाई K4 क्यों नहीं बना ये भी तो बताओ। 18 साल में अगर K4 नहीं बना और 15 साल से आप इख्तदार में हैं तो जिम्मेदारी तो कबूल करो। और फिर जो इंटरनल चीजें ठीक करनी थी वो तो ठीक करते, डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक करते पानी की, जो 65 मिलियन गैलन वाला प्रोजेक्ट है वो तो ठीक करते, डमलोटी को ठीक करते, ये पंक्चर जो लगे हुए वो ठीक करते, जब वो नहीं किया तो पानी का बोरान तो होगा। एक बड़ा तबका तो अब पानी खरीद के पीता है, लेकिन इस्तेमाल का पानी तो ठीक दे दीजिए, उसमें तो गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो तक देने से ये लोग कासिर हैं। ये तो जहद, आवाज उठाने और मुजाहमत करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे काम में रुकावट डाली जा रही है, कोई एक चीज बता दो जो रुकावट डाली हो। यानी विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, कब्जा बल्दियाती हुकूमत, सारी चीजें आपके पास, पुलिस आपके पास, निजाम आपके पास, ब्यूरोक्रेसी आपके पास, दौलत आपके पास, मशीनरी आपके पास, और मैं बात कर रहा हूं आपकी इस कब्जा माफिया के खिलाफ, तो मैं रुकावट डाल रहा हूं और आप बहुत काम कर रहे हैं।